तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रकोण नोएडा भारत से, और एक गाड़ी आई है महिंद्रा की XUV500W6 मॉडल, और इसमें प्रॉब्लम भी यार इतना ज्यादा मजेदार है कि 4 महीने से इशू आ रहे हैं और कस्टमर भी इग्नोर करे जा रहे हैं। क्यों? इशू भी कुछ अजीब है। चेक इंजन लाइट आ गया, आज के 4 महीने पहले इंजन की सर्विस कराई थी, अचानक से चेक लाइट आ गई उसके दूसरे दिन। क्या पता कि उसी दिन आई या उसके अगले दिन आई, पर वो कह रहे थे कि लमसम उसी के समथिंग आया लाइट। और लाइट आने के बाद से इन्होंने चलाते रहे गाड़ी को। गाड़ी में कुछ इनको पिकअप को लेकर थोड़ा सा इशू था कि पिकअप थोड़ा कम है, और दूसरा कि काफी चलाने के बाद इन्होंने 15-20 दिन चलाने के बाद इनको लगा कि यार माइलेज का भी इशू है। तो पिकअप और माइलेज दो इशू आ गए इस गाड़ी के अंदर, और इस प्रॉब्लम को उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और चलाते गए। टाइम का थोड़ा इशू कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए कि यार मैकेनिक के पास जाके दिखा लेंगे, लेकिन नहीं जा पाए। आज फाइनली आई है इस गाड़ी को, हम टेस्ट करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या पंगा है। पहले हम स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करेंगे कि क्या क्या हमें किस किस चीजों को चेक करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चेक इंजन लाइट है। क्या ये गाड़ी है, इधर दिखा लीजिए, सारे लाइट आना चाहिए, सब कुछ लाइट आ रहा है ना। मैं एसी को ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। हाँ ठीक है, न्यूट्रल चेक कर लिया, लाइटें कई सारी इसमें आ रही हैं अभी फिलहाल। एक बैटरी की भी आ रही है, बैटरी की चली गई। एक हैंड ब्रेक की आ रही है, हैंड ब्रेक की चली गई। एक सीट बेल्ट की आ रही है, तो मैं सीट बेल्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा सा लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि सीट बेल्ट की चली गई। और एक डोर की, ये तो डोर की ऊपर वाली है, चेक इंजन लाइट आ रही है। तो हमने चेक इंजन लाइट देखना है कि किस वजह से चेक इंजन लाइट आ रही है, और चेक इंजन लाइट पे हम काम करेंगे, देखेंगे कि यार सर्विस के बाद ऐसे कैसे चेक इंजन लाइट आ जाती है यार। और कस्टमर भी इग्नोर कर रहे थे, प्रॉब्लम देखो यार, माइलेज बिल्कुल गिर गया इसका और पिकअप डाउन हो गया, फिर भी चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है इस समय के इशू की वजह से। तो एक बार स्कैनर लगाओ, पहले स्कैनिंग करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या कहानी। स्कैनर को कनेक्ट कर दिया और हम इस लॉन्च के 431 प्रो से स्कैन करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे फॉल्ट क्या है, उसके बाद से फिजिकली टेस्ट करेंगे। रीड फॉल्ट कोड करते हैं, पास में आइए। रीड फॉल्ट कोड किया, और मेन चीज है इन सब बड़ी गाड़ियों में प्रोसेस से काम चलता है, ऐसे डायरेक्ट काम करेंगे तो नहीं चलेगा। ये देखिए P11000 HFM सेंसर ओपन लोडेड एरर, करेंट में दिखा रहे हैं यहाँ, इस चीज पे ध्यान काम करना है, करेंट। ये देखिए, ये पीरियड ड्यूरेशन ईयर टेम्परेचर सेंसर 11200 का करेंट में दिखा रहा है, और ये भी HFM सेंसर का दिखा रहा है, ये भी करेंट में दिखा रहा है। तो हमने इस वाले फॉल्ट कोड पे काम करना है, और ये तीनों करंट में दिखा रहे हैं, तो तीनों फॉल्ट कोड पे काम करना है। और चूंकि महिंद्रा गाड़ी है, तो यार मैंने अभी हाल फिलहाल ही एक ऐप परचेज किया है, एक ऐप खरीदा इतना जबरदस्त। ये पूरी महिंद्रा की जो गाड़ी है ना, चाहे कोई भी बोलेरो हो, ऑटो हो, पिकअप हो, सीकअप हो, पूरी जन्म कुंडली खोल के रख देगा वो। अब देखिए मेरे मोबाइल में ARCTI ये वाला ऐप मैंने परचेज किया भाई, और ये महिंद्रा की सारी गाड़ियों का जन्म कुंडली है। अब इस पर कुछ नहीं करना है, DTC पे जाना है, DTC पे क्लिक करना है, और P11100 बस हो गया, इसको सर्च करना है P11100। अब ये देखिए आ गया। अब महिंद्रा में किस किस गाड़ी में फॉल्ट कोड आता है, बुलेरो में भी आता है, KUV मेन, नुओ स्पोर्ट, क्वांटो, स्कॉर्पियो, तो ये हमारी गाड़ी कौन सी है, बाप रे बाप बड़ी डिटेल दिया हुआ इसमें, तो XUV500 है। तो मैं XUV500 पे क्लिक करता हूँ, और मॉडल भी दिया हुआ है, और ये देखिए बताओ यार, पूरी जन्म कुंडली खुल गई है। देखो कहाँ लग रहा है, क्या चीज का फॉल्ट है, देखो दिखा रहा है एयर फिल्टर के पास में, मुझे लग रहा है एयर मास सेंसर ही है। और पूरा डेटा है, ये देखो पूरा वायरिंग डायग्राम भी, अरे इसमें देख रहे हो ना, पूरी वायरिंग डायग्राम बैटरी से कनेक्ट करके इतना ज्यादा एयर मास सेंसर का फॉल्ट दिखाया है, और एयर मास सेंसर का इतनी बारीकी से तो मुझे नहीं लगा किसी ऐप में दिखाया। देखो कपलर भी दिखा दिया, किस ECM के किस पॉइंट से ये प्रॉब्लम आएगा, तार कहाँ से निकलेगा वो दिखा दिया। यहाँ देखो ECM का पिन नंबर दिखाया, फंक्शन दिखाया, कौन से में क्या ग्राउंड क्या पावर आता है। तो मैं इस ऐप की मदद से, देख रहे हैं ना पूरा ये जन्म कुंडली है उसका महिंद्रा का, तो इस ऐप, अच्छा इसमें ये भी दिखा दिया कि क्या क्या हो सकता है, वायर शॉर्टेड या ग्राउंड ओपन हो सकता है, या फिर वायर ओपन हो सकता है, या सेंसर फेलियर हो सकता है, तीन चीज दिखा दिया हमें कि तीन चीज होगा। और देखते हैं, थोड़ा समझते हैं पहले
एक सेकंड, ये बैटरी का वोल्टेज यहाँ से आता है, फिर ये वायरिंग ठीक है इग्निशन स्विच में जा क्या है, उसके बाद से इसको ईसीयू से डायरेक्ट कनेक्ट करके यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 वायर का पूरा दिखाया है कि वायरिंग कलर कोड, वायरिंग का वोल्टेज, वायरिंग में क्या सिग्नल आना चाहिए, सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया। तो हम इस फॉल्ट कोड पे इस ऐप के जरिए हम इसको काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐप मेरे को इतना अच्छा लगा यार कि यार पूरी गाड़ी का महिंद्रा का चाहे कोई भी डीटीसी आए साली रुकने का ना मिस्त्री, इतना जबरदस्त ऐप है यार। मेरे को पर्सनली ऐप इतना पसंद आया तो मैंने इसको खरीदा है। अभी तो आपको मिलेगा नहीं, मैं इसका बोनट खोलता हूँ, पहले देखता हूँ आखिर जो दिखा रहा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि वो दिखा रहा है एयरमास सेंसर का, तो मैं एयरमास सेंसर देखता हूँ। अरे तेरी 4 महीना बाद पहली बार बोनट उठाया भाई, इधर आ जाओ, इधर आओ, ये डस्ट देखो, डस्ट ये देखो, मैंने इससे अंदाजा लगाओ 4 महीने से बोनट उठा नहीं है। इधर आओ पास में, ये देखो, ये कहानी है यार। अब क्या दिखाऊं, ये देख रहे हो ना डस्ट, यानी पहले का ही उतरा हुआ है, कहानी है ये देखो। हल्का सा हाथ से छूंगा तो, यानी कपलर नहीं निकाला मैंने, ये पहले का ही निकला हुआ, 4 महीने पहले का डस्ट जम गया है। इस डस्ट से आप पता लगा सकते हैं कि 4 महीने पहले से ही कपलर उतरा हुआ है, और यही कपलर काश उस टाइम में दिखा लेते तो हो जाता सही, लेकिन इस कपलर उतरने के बावजूद भी गाड़ी को चलाते रहे यार, थोड़ा माइलेज ही तो है, थोड़ा पिकअप ही होता है, इतना इग्नोर करने से प्रॉब्लम आती है। और मेरे पास आई अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ, बोनट खोल के देख रहा हूँ, कपलर उतरा हुआ है, लेकिन इस कपलर पे भी काम करेंगे, अभी जो फोल्ट कोड आया उस पर काम करेंगे, उसकी वायरिंग डेटा को भी चेक करेंगे। आज ये पास में ये देखिए, ये वायरिंग है और ये कई बार उतर जाता है, पता नहीं कैसे उतर गया, ये तो मेरे को मालूम नहीं, इतना मालूम है ना कि इस पे देखिए डस्ट जम रहा है, तो डस्ट तो अभी नहीं जमा होगा, और लगाएंगे, देखिए लगा रहा हूँ मैं, बस ये पहले सर्विस वर्विस किए होंगे, देखिए अब ये निशान पड़ गया यहाँ, देख रहे हैं ना, तो यानी कि ये उतरा हुआ है, फिर भी हम इसके वायरिंग डेटा को चेक करेंगे एक बार, क्या पता किसी मैकेनिक ने पिक खराब होने की वजह से उतार दिया या अपने आप उतर गया। मेरे को लग रहा है कि खराब है ये, इसके लिए उतार दिया होगा उनने गाड़ी को बेटर परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन गाड़ी और खराब होती चली गई। तो हम इसके डेटा शीट को चेक करेंगे, वायरिंग वोल्टेज चेक करेंगे, और इस ऐप में जो बारीकियां हैं हम उस बारीकियां पे काम करेंगे। पास में आओ, ये जैसे कपलर है मेरा, तो ये देख सकते हैं ये कपलर है मेरा, ठीक है, सेम टू सेम कपलर देख रहे हैं ना ये ऐप के जरिए। अब इस कपलर में भी नंबर वाइज दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5, तो 1 में हम देखते हैं क्या डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 1 5 2 4 ऐसे करके ये 3 वायर है, तो इस वायर पे सारा सिग्नल वोल्टेज डेटा सारा क्या ग्राउंड आएगा, तो आप देख सकते हैं 1 नंबर पे ग्राउंड आएगा, 2 नंबर पे सिग्नल, 4 नंबर पे सिग्नल, 5 नंबर पे सिग्नल, और 3 नंबर पे आपका पॉजिटिव आएगा। तो अब ये 3 नंबर का जो वायर है देखिए, ये बैटरी से रिले के थ्रू होके आ रहा है ये 3 नंबर का, तो इस पे आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम एक एक वायर को चेक करते हैं और यहाँ पे डेटा रख के चेक करेंगे एक एक, तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको खैर कहीं भी रख लीजिए, ये इससे हम कंटिन्यू चेक करेंगे इसमें कि वायरिंग में जो डेटा है, जो वायर का पॉजिटिव सिग्नल है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले पे हम चेक करेंगे, सबसे पहले क्या वो निगेटिव आ रहा है क्या, ये दिखाओ इधर, ये निगेटिव पूरा आ रहा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड ऐसे, ठीक है, एक सेकंड, निगेटिव आ गया, अब ये ठीक है, पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी आपका पॉजिटिव आ गया सिग्नल वोल्टेज का, ठीक है, एक ये बच गया, ये हमारा निगेटिव इस पर मिल गया, वो तो पहले वाले था, इस पर हमारा 12 वोल्ट का बैटरी का सप्लाई मिल गया। तो यानी कि इस ऐप की मदद से हमने एक एक तार को तो देख लिया, सारे तार वोल्टेज ओके आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, और जो इसमें दिखाया है जितनी बारीकी से दिखाया है उस बारीकी से हमने टेस्ट किया, बिल्कुल 0-0 आ रहा है, जितना लिखा उतना आ रहा है, तो हम कन्फर्म हो गए कि हमारे वायरिंग ओके, हमारा ईसीयू ओके। अब ये सेंसर है, तो सेंसर देखिए 2 कारणों से ऐसे निकलता है, एक तो पानी का प्रेशर मारते हैं या मैकेनिक भूल जाते हैं तो निकल जाता है, दूसरा कई बार हम गाड़ी को चलाते हैं और मुझे लगता है कि यार गाड़ी में पिकअप का इशू है, थोड़ा स्मोक मार रही है, तो हम क्या करते हैं इस कपलर को निकाल देते हैं, निकाल के तब गाड़ी को चलाते हैं, अरे परफॉर्मेंस बढ़ गया, पिकअप आ गया मजा,
तो हम कस्टमर को भी नहीं बताते हैं और इसको निकला हुआ ही दे देते हैं कि कस्टमर चलाएगा उसको मजा आ जाएगा। लेकिन कस्टमर को मजा नहीं आता, माइलेज गिर जाता है, जाहिर सी बात है पिकअप का इशू आ जाता है चढ़ते हुए हाईवे पे। दो कंडीशन हो गए, अब दोनों कंडीशन में किस कंडीशन में उतरा है, पानी के धुलाई से उतरा है या फिर जानबूझ के उसको उतारा गया पिकअप बढ़ाने के लिए, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो इस ऐप के जरिए हम ऐप वायरिंग का डायग्राम पता लगा लिए कि वायरिंग ओके हमारा, तो हम सेंसर को पहले लगा के चेक करेंगे, चला के चेक करेंगे, यदि कहानी सुधर जाती है तब तो ओके ओके। लेकिन यदि इसके कपलर लगाने से कहानी और बिगड़ जाती है और ब्लैक स्मोक का प्रॉब्लम आता है तो हमें सीधा सीधा इसको एयर मास सेंसर को बदलने की जरूरत पड़ेगी। इतना तो हम कन्फर्म होना पड़ेगा हमें वायरिंग और इश्यू से कि हमारा वायरिंग ओके है, इश्यू ओके है। टॉप टाइम को तो रखते हैं साइड में क्योंकि ये टेस्टर से तो टेस्ट करने में मजा ही आ जाता है। इसको पकड़िए जरा, अभी क्या है ना, हम कपलर लगाने से पहले एक काम करेंगे भाई, कपलर चार महीने से चूंकि खुला हुआ है तो हम इस कपलर को रस्टिंग से बचाना है, रस्टिंग ना लगे, कार्बन ना लगे, उसके लिए हमें स्प्रे से हम कम से कम इसके क्लीनिंग कर लेंगे ताकि काफ़ी दिन से लटका पड़ा है तो यार रस्टिंग भी आई होगी, हो सकता है मॉइस्चर भी आई हो, हम इसको क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा बस ये अपना हो गया, इसको छोड़ देते हैं और इस ऐप को बंद कर लेते हैं भाई। बहुत सारे मैकेनिक भाई सोच रहे होंगे यार ऐप कहाँ मिलेगा, आर सी टी आई का भाई साहब अभी एप्पल ओपल पे तो आपको मिले ना प्ले स्टोर पे। पहले चीज ये स्पेशल हमने ऐप मंगाई है अपने लिए, स्पेशल खरीदी है खाली, तो स्पेशल है मिलेगा नहीं, ढूंढ लो चाहे कहीं भी गूगल वूगल पे, ये ना मिलने का ऐप। ये देखो इधर एक कार का DTC खाली सर्च करो, वायरिंग डायग्राम सर्च करो, ये देखो ये रहा ऐप, एक कहीं मिलेगा नहीं आपको, कहीं ढूंढने लगोगे यार उस्ताजी मिल नहीं रहा प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा। इसमें वायरिंग डायग्राम भी निकलता है DIG, अब इसको सर्च कर लो किस गाड़ी का वायरिंग डायग्राम चाहिए भाई, सारी गाड़ी का वायरिंग डाय, ये देखो यार क्या बात है, स्कॉर्पियो का ही ले लेते हैं हैं, तो पूरी वायरिंग डायग्राम भी निकल जा, अरे तेरी यार पूरी जन्म कुंडली खुल गई भाई साहब, एक एक तार का देख ले ECU कौन सा है, क्या काम करता है, अरे सारा इसमें फंक्शन बहुत है यार, बहुत जबरदस्त फंक्शन है। मैं इसको अब रख रहा हूँ साइड में और मैं चल रहा हूँ अब इस कपलर को लगा रहा हूँ, आ जाओ इधर दिखाओ, एक काम भी हो गया, बस पता नहीं किस कारण से निकाला, अब चला पहले देखते हैं लाइट वाइट का कि गया कि नहीं गया, उसके बाद से चला के देखें गाड़ी में, मजा है, मुझे लग रहा है कि मजा आ जाना चाहिए, सच बात तो ये। अभी हमने कपलर लगा दिए हैं, अभी हमने आई स्मार्ट भी लगाया और आई स्मार्ट से भी जानने की कोशिश किया कि क्या रियलिटी है, क्योंकि लॉन्च भी और आई स्मार्ट दोनों से जानने की कोशिश किया रियलिटी क्या है। अभी रियलिटी दिख गया, इसमें भी करंट उसमें भी करंट दिखा रहा था, तो धोखाधड़ी तो नहीं है। और इसके बाद से मैं इसको पहले अब कपलर लगा दिया, अब रीसेट करता हूँ, सबसे पहले क्लियर कोड करता हूँ, ठीक है। ये क्लियर पे गया मैं और यहाँ पे जाके मैं क्लियर किया, एस किया तो हमारे कोड, अब जो भी फॉल्ट रहेंगे यहाँ आएंगे, तो अभी क्लियर हो गया लेकिन यहाँ कोई भी फॉल्ट कोड जनरेट नहीं हुआ। यदि फॉल्ट गाड़ी के अंदर रहता तो दोबारा से यहाँ पे जनरेट करता दिखा देता, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा है तो यानी हमारा प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गया। अब बारी है हमें चला के गाड़ी को टेस्ट करने की और गाड़ी को स्टार्ट करके देखने की कि चेक इंजन लाइट आ रहा है कि चला भी गया, पता नहीं आई रैक चला गया, तो मैं गाड़ी को एक बार स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इधर पास में आइए, लाइट को दिखाइए जरा, बिल्कुल लाइट चली गई, ठीक है देख सकते हैं आप, ठीक है मैं दोबारा से करता हूँ एक बार, ठीक है सारे लाइट आ रहे हैं, चेक इंजन लाइट जा रही है यहाँ से, ठीक है नीचे वाली, तो बेधड़क कोई टेंशन नहीं है, हमारी गाड़ी लमसम काफी हद तक मुझे लग रहा है कि सही हो गई है, अब चला के देखना पड़ेगा एक बार। और प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप, एक मैकेनिक के लिए कैसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है वो चीज़ मैंने दिखाई, इसलिए हम एक प्रोसेस से टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस भी कामयाब हो गया, बिल्कुल सेट हो गई और हमें काफ़ी मदद किया उस ऐप ने, RCTI ऐप ने, और मुझे लग रहा है हर गाड़ी में मदद ही करता है, काफ़ी डिटेल्स है यार सीखने को उसमें मिलता है, इतना ज़्यादा पूरा महिंद्रा की जितनी गाड़ी है सबका जन्म कुंडली, इसलिए मेरे को डर नहीं लगता है अब महिंद्रा की गाड़ियों से। DTC आया तो उस पर काम होगा 110%, और गाड़ी भी बनेगी बिल्कुल सेट, टक 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 टक, कहाँ का कौन सा वायरिंग का करंट आ रहा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बाहर में क्या दुनियादारी है, ये ऐप खोला फटाफट सारे वोल्टेज वोल्टेज सब A to Z मुझे याद कोई है, सब देख देख के एक एक चीज़ सीख गया मैंने, बढ़िया टेस्ट कर ली, मजा आ गया गाड़ी का, तब इसको चला के देखते हैं गाड़ी में क्या कंडीशन।
तो भाई मजा ही आ गया गाड़ी के अंदर, जबरदस्त। मैं लगा देता हूँ गाड़ी को, गाड़ी चलाई तो मजा आ गया। और जिस चीज का डर था वो डर खत्म हो गया भाई, वो उतर ही गई थी वाशिंग की वजह से। जैसे गाड़ी धुलाई वुलाई ना करते हैं उसकी वजह से जैसे उतर जाती है, वो कपलर उतर ही गई थी। हम बहुत बड़ा इशू समझ रहे थे इसके लिए, लेकिन वो बड़ा इशू नहीं था, वो उतर ही गई थी। और गाड़ी फाइनली ना स्मोक दे रही है, ना पिकअप विकअप किसी चीज़ में इशू नहीं है, गाड़ी में मजा आ गया। तो ओके, थैंक यू यार, पता नहीं कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक को हिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और भी वीडियो देखने होंगे, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हर चीज़ में सावधान रहिए।